नमस्ते दोस्तों, सरिता विलेज फूड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं दम आलू। आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या सामग्री लगे। दम आलू बनाने के लिए हमने अभी ये हल्का सा बॉयल आलू करके रखे हैं, देखिए। थोड़े से प्याज, लहसुन की कलियां, अदरक का टुकड़ा, टमाटर, हरी धनिया, सूखी लाल मिर्च, ये हमने काली मिर्च ली है, ये एक इलायची, तेज पत्ता, जीरा, अजवाइन, कसूरी मेथी और ये मेथी के दाने। आइए देखते हैं इसमें मसाले क्या क्या लगेंगे। नमक, हल्दी, मीट मसाला, सब्जी मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। ये देखिए, हमने आलू के छिलके उतार लिए हैं। अब इसमें छेद करते हैं कांटे की सहायता से, ताकि मसाला अच्छे से सोख सके। इसी तरह हम सारे आलू में छेद कर लेंगे। देखिए, ये ज़्यादा नहीं बॉईल करने होते हैं, हल्का ही बॉईल करने होते हैं। ये हमने टमाटर काट लिए हैं, इसका पेस्ट बनाएंगे। ये हमने काटा है प्याज और ये अदरक, ये लहसुन की कलियाँ, इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमने टमाटर का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसी तरह प्याज, लहसुन और अदरक का भी पेस्ट तैयार कर लेंगे। प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट भी तैयार है। तेल गर्म हो जाने देते हैं। ये देखिए, तेल हमारा हो चुका है, इसमें हम डालेंगे आलू। इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। निकाल लेते हैं। ये देखिए, आलू हमने फ्राई करके निकाल लिए हैं सारे। अब उसी तेल में हम डालेंगे तेज पत्ता, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च और इलायची, इसी मेथी दाने। हींग मैंने पहले बताना भूल गई थी मैं, इसलिए हींग थोड़ी सी डाल रही हूँ। अच्छे से पक जाने देते हैं इसे। मैं डालेंगे हम अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट। ये देखिए, पेस्ट होने लगा है, ये अच्छे पक गया है। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर। पेस्ट हमारा हो चुका है, पेस्ट होने लगा है। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, मीट मसाला, सब्जी मसाला और ये नमक। देखिए, मसाला हमारा पक चुका है। फिर डालेंगे पानी। आपको जैसी भी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे, ये देखिए, कसूरी मेथी, अब इसमें बॉईल आने तक इसे पकाएंगे अच्छे से। ये देखिए, अच्छे से उबल रहे हैं। अच्छे से इसमें उबाला हुई है। अब इसमें हम फ्राई किए हुए आलू डाल देते हैं।
पकने देते हैं इन्हें, 5 से 6 मिनट तक इन्हें अच्छे से पकने देते हैं। इसके बाद ये मैदा आलू बन के तैयार हो जाएंगी। इसे अच्छे से पकने देते हैं। ये देखिए आलू बन के तैयार हैं। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी धनिया पत्ती, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इनका। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को।